तो यहाँ प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं, मेरी फिलहाल कोई प्ले लिस्ट पब्लिश नहीं है, सभी अनलिस्टेड है, तो यहाँ पर नहीं दिखा था। अब मैं बात करता हूँ जो लास्ट ऑप्शन है मेरा, वीडियो ख़त्म होने ही वाली है, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, ठीक है। अब यहाँ देखता दिखाता हूँ मैं आपको एक वीडियो पर क्लिक करके, जैसे कि मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ, मैंने जो अभी रिसेंटली वीडियो डाला हुआ है, यहाँ पर आपको सारी पता ही है कि कितने, यहाँ पर वीडियो परफॉर्मेंस दिखा रहा है, यहाँ कमेंट्स दिखा रहा है, यहाँ पर आपकी सारी व्यूज़ कितने, लाइक कमेंट्स डिसलाइक सारी दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो ऊपर आप देखते हैं जो पेन का आइकॉन है, उस जो तीसरा वाला, उस पर क्लिक करते हैं। उस ऑप्शन पर जाते ही आपको यहाँ पर सारी सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी थंबनेल चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइटल डालना है तो वो मैंने डाला हुआ है, वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करके, ये देखिए मेरी डिस्क्रिप्शन है, तो वो भी मैंने दी हुई है। यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पब्लिक, यानी कि आपका वीडियो जो है पब्लिक रखना रख सकते हैं, अनलिस्टेड कर सकते हैं, प्राइवेट शेड्यूल, या फिलहाल ही मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। फिर ये वीडियो आपको कोई प्लेलिस्ट में डालना है तो यहाँ पर उसका ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पर ऐड टू प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो सारे और प्लेलिस्ट है वो शो हो जाएंगे, उसमें किसी में भी आप इस वीडियो को डाल सकते हैं। फिर यह लास्ट वाला ऑप्शन है ऐड टैग्स, तो यहाँ पर टैग्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो का नाम है मेरा बेस्ट फीचर, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कुछ टैग्स। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ हैज बेस्ट फीचर्स, फिर यहाँ पर इसको स्पेस देंगे और यहाँ फिर से हैज, फिर मेरा चैनल नाम दे देता हूँ टैग, फिर मुनिराज, ठीक है। तो इस तरह से आप टैग्स डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए दोस्तों, टैग्स डालते वक्त अब यहाँ पर देखिए, मैंने जो यहाँ पर जगह नहीं छोड़ी है, जो पेज नहीं छोड़ी है, अब यहाँ से पेज छोड़ देंगे तो यह कुछ ही काम का नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पेज है वो छोड़नी है, उसको छोड़ के रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं, और फिर यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर काट देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक लास्ट वाला ऑप्शन है, उसमें दिखा है एडवांस सेटिंग, तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग में सारी सेटिंग्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर कैटेगरी दिख रहा है कि आप किस टॉपिक पर, किस कैटेगरी में वीडियोस बनाते हैं, ये वीडियो किस कैटेगरी में है, तो आपका ये एक ही वीडियो की कैटेगरी आप चूज कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ कैटेगरी मैं चूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सारी कैटेगरीज आपको मिल जाएगी, मैंने यहाँ पर फिलहाल जो है वो पीपल एंड ब्लॉग्स की कैटेगरी दी हुई है। फिर यहाँ दूसरा है जो ऑप्शन है, जो मोर इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, उसमें आपको यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस में रखना है या फिर क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशंस, यानी कि आपको यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन है, आप ये चूज़ करेंगे तो आपका ये वीडियो जो है वो कोई भी कहीं भी यूज़ कर सकता है, उसको स्ट्राइक नहीं दे सकते, ठीक है। आप उसको उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि मेरा जो है ये वीडियो आपने क्यों इस्तेमाल किया है, या फिर क्यों आपका वीडियो का कोई भाग उसने इस्तेमाल किया है, तो आप उसको कुछ कह नहीं सकते। अब इसी यहाँ लाइसेंस में, यहाँ देखिए स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस रखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर उसको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर यूट्यूब लाइसेंस ले रखा है कि इस वीडियो में मेरा ही हक है, कोई दूसरा इस वीडियो को यूज़ नहीं कर सकता। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑडियंस, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़रूरी ऑप्शन है, ठीक है। आपका वीडियो बच्चों के लिए है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, येस इट्स मेड फॉर किड, और यहाँ नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स, तो यहाँ पर मैं इसको इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स रख देता हूँ। मेड्स फॉर किड्स रखते हैं तो आपका जो मोनिटाइजेशन है इस वीडियो का वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपको इसमें एड नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों को ये वीडियो देखना है, तो वीडियो में एड्स आएंगी तो बच्चे को तो कोई फ़ायदा नहीं है कंपनी को, क्योंकि बच्चे एड देखेंगे तो वो तो खरीदने जाने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एड्स नहीं आएंगी, एड्स ऑफ हो जाएंगी, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपका बच्चों से रिलेटेड वीडियो भी है तो भी आप उसको नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड्स रखिए, ठीक है।
फिर यहाँ पर नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आपको डू यू वॉन्ट टू रिस्ट्रैक योर वीडियो ऑन एन अडल्ट ऑडियंस, यानी कि आप यहाँ पर अपना वीडियो है उसको अडल्ट में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको नो कर देता हूँ, नो डोंट रिस्ट्रैक माई वीडियो टू व्यूअर्स अवर अडल्ट, यानी कि 18 ईयर्स यानी कि 18 वर्ष से ज़्यादा कम के लोग इसको वीडियो को देखते हैं, तो मैं इसको रिस्ट्रैक आप इस वीडियो को कर सकते हैं या नहीं, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ, ठीक है, कि 18 बरस से कम के वीडियो इस वीडियो को देखते हैं तो इसको आप रिस्ट्रैक नहीं करें, ठीक है, यहाँ पर नो रख दिया है मैंने। फिर यहाँ पर जो लास्ट में ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन है, आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, यहाँ पर अलाउ कमेंट्स पर क्लिक करने के, यहाँ पर आप इसको ऑफ करके आप डायरेक्ट कमेंट्स को अनअलाउ कर सकते हैं, यानी कि कोई आपको कमेंट्स नहीं आएगा आपके चैनल पर। यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो आपके चैनल पर कमेंट्स आएंगे और आप उसको देखिए, ठीक है। यह दूसरा ऑप्शन है, यूज़र्स कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, यानी इस वीडियो की रेटिंग आपके व्यूज देख सकते हैं क्या, तो आप यहाँ इसको ऑफ कर सकते हैं, क्या इस वीडियो की रेटिंग आपके व्यूज ना देख सकें, इसको ऑन रखना चाहे तो ऑन भी रख सकते हैं। फिर यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन है अलाउ एम्बेडिंग, यानी कि दोस्तों इसमें आप काफ़ी कंफ्यूज होते होंगे, मैं आपको इस बारे में क्लियर कर देता हूँ, इसके बारे में क्या है दोस्तों, इसको जैसे ही मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ तो अब क्या होगा ना दोस्तों, मैं जैसे ही इस मेरे वीडियो को किसी सोशल मीडिया ऐप पर जो है मैं शेयर करूँगा, तो जो मैंने इस वीडियो में जो थंबनेल दिया हुआ है और जो टाइटल या फिर इसमें जो एडिटिंग की हुई है वो इस सोशल मीडिया ऐप पर नहीं दिखाएगा। अब ये इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर जो मैंने थंबनेल और टाइटल दिया है उसमें जो फेसबुक पर यानी इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर जब भी मैं अपलोड करूँगा तो थंबनेल और टाइटल दोनों दिखाएगा, इसको ऑफ कर दूँगा तो नहीं दिखाएगा, तो इस तरह से ये सेटिंग है। इस तरह से आप करके यहाँ पर सेव करके इसको सेव कर दीजिए, ठीक है, तो इस तरह से सेटिंग होती है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ शेयर पर क्लिक करके आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फिर अपने भाई बंधुओं के साथ। यहाँ पर देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड पर आप क्लिक करके इस वीडियो के लिंक भी आप कॉपी कर सकते हैं, फिर आप चाहे वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, और इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो यूट्यूब का ऑप्शन दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके आप इसको यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी है, वीडियो काफ़ी बहुत लंबा हो चुका है तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, मैं थक गया इस वीडियो में काफी सब कुछ क्लियर कर दिया मुझे, आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया आपको, कुछ फिर भी आपको कोई कमी महसूस हुई या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो आप भेजिए कमेंट करिए, आई प्रोमिस यू मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करिए आपको कुछ समझ में नहीं आया और वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो अब इसको एंड करता हूँ मैं यहीं पर, ठीक है, और पसीना भी बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आप जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक वीडियो जाएगी नहीं, ठीक है, तो बेल आइकन को भी प्रेस करिए। यू आर वॉचिंग टेक मुनिराज, माय नेम इज करण परमार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।